सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आज यानी कि सोमवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड यानी कि रिया चक्रवर्ती उन्हें अंतिम विदाई देने जुहू के कपूर हॉस्पिटल पहुंची। अभी सुशांत की बॉडी इस कपूर हॉस्पिटल में है। रिया चक्रवर्ती को इसी अस्पताल के बाहर देखा गया है। तस्वीरों में रिया सफेद रंग के सलवार सूट में दिख रही है। उनके चेहरे की उदासी ये साफ दिखा रही है कि वो सुशांत की मौत से बेहद दुखी है। तस्वीरों में भी वो काफी भावुक नजर आ रही हैं। रिया ने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ है, फिर भी उनकी आंखें दर्द में देखी जा सकती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस ने भी अपनी छानबीन तेज कर दी है। इस मामले में अब पुलिस सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी और रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज करेगी, क्योंकि सुशांत ने अपनी मौत से ठीक एक रात पहले ही रिया और महेश को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया था। रविवार देर रात सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टरों ने सुशांत सिंह राजपूत के वाइटल ऑर्गन्स को फॉरेंसिक जांच के लिए जेजे अस्पताल भेजा है, जहां शरीर में किसी तरह के ड्रग्स या जहर की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। आपको बता दें कि सुशांत अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप के कारण काफी चर्चा में रहे हैं। अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत सिंह राजपूत का रिलेशन लगभग 6 साल तक रहा। इन दोनों के अलग होने के बाद सुशांत का नाम कृति सैनन और रिया चक्रवर्ती के साथ भी जोड़ा गया। सुशांत की पर्सनल लाइफ भी इस आत्महत्या का कारण हो सकती है, जो हमेशा से काफी चर्चा में रही है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में पिछले कुछ दिनों से रिया सुशांत सिंह के साथ ही रह रही थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या से एक दिन पहले ही रिया को उनके घर वापस भेज दिया था। अब पुलिस रिया से पूछताछ करके जानना चाहती है कि दोनों के रिश्ते कैसे थे, क्या मौत से पहले रिया और सुशांत के बीच कोई अनबन हुई थी, एक्टर डिप्रेशन में क्यों थे। आपको बता दें कि सुशांत का अंतिम संस्कार आज मुंबई में होगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने पटना से उनके पिता और करीबी रिश्तेदार भी मुंबई पहुंच चुके हैं। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।